जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआरएम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावणी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस दिन अगर आप चुपचाप एक उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जितने भी दोष हैं वो भी समाप्त होंगे। क्योंकि देखिए, जिन भी बहनों के मासिक धर्म से संबंधित परेशानियाँ आती हैं, या कम या ज़्यादा, या फिर जो लड़कियाँ हैं अगर उनको भी देखें मासिक धर्म से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो चंद्रमा के कारण आती हैं। तो इस दिन पूर्णिमा के दिन अगर आप एक उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जितने भी मासिक धर्म से संबंधित दोष हैं या कोख बंधन है, तो उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस दिन आपको देखिए बिजी होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह सुबह, चाहे अगर आप मायके में हैं तब भी, अगर आप ससुराल में हैं तब भी, सुबह सुबह इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआरएम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा देखिए सावन का अंतिम दिन है, तो इस दिन भगवान शंकर का, माता गौरी का पूजन अवश्य करें। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर अवश्य जाएं। इस दिन आपको देखिए एक लोटे में शुद्ध जल भरकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, एक बेलपत्र उस लोटे में ही डालकर आपको मंदिर में जाना है, और जो मंदिर में शिवालय पर जो कलश होता है उसके अंदर आपको ये जल डाल देना है। दोस्तों, इस तरह से आपको ये उपाय करना है, और इस दिन माता गौरी का पूजन अवश्य करना है। उनको एक मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, भोग लगाना है और आपको इस मंत्र का ओम गौरी शंकराय नमः 11 बार 21 बार, या फिर ओम सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण तम्यके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का, या फिर ओम गौरी शंकराय नमः का 11 या 21 बार उच्चारण अवश्य करें। भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, और पूजा करने के बाद वो जो मीठा पान आपने चढ़ाया है उसको उठा लें। जिस भी स्त्री को देखे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो पति पत्नी खा लें। पति पत्नी में अगर देखिए क्लेश रहता है या प्रेम नहीं है, तो आप जिसके साथ भी अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, तो उसके साथ बांटकर अवश्य खाएं। या पति पत्नी ग्रहण कर रही है, स्त्री अकेले भी इसको ग्रहण कर सकती है अगर वो संतान की इच्छा रखती है। कुंवारी कन्या भी इस उपाय को कर सकती है, अगर वो विवाह के लिए अगर करना चाहती है तो वो माता गौरी को इस मंत्र का उच्चारण करके मीठे पान का भोग लगाए और स्वयं ग्रहण कर ले, शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, इस तरह से माता गौरी का पूजन करें, और घर में देखिए जिसके साथ भी अगर आपका क्लेश रहता है तो घर के पूरे परिवार सदस्यों के साथ आप इस पान का मतलब ग्रहण करें, बांट कर खाएं, तो शीघ्र ही आपके सभी सदस्यों में प्रेम अवश्य बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों देखिए, इस दिन रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। हाँ, देखिए जिन भी बहनों के देखिए कोई भाई नहीं है, या जिनके भाई हैं तब भी अगर वो इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है उनका अंत अवश्य होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ये रक्षा सूत्र बांधती हैं, और रक्षा सूत्र देखिए पहले के समय में जो कच्चा सूत होता था, यानी रक्षा सूत्र, वो बांधा जाता था, लेकिन आजकल राखियाँ बांधी जाती हैं। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, चाहे वो कृष्ण जी को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानते हो, या श्री हरि भगवान को मानते हो, या शंकर जी, जिस पर भी आपकी आस्था है, उनको देखिए सबसे पहले तिलक करके, अक्षत लगाकर उनको राखी अवश्य बांधे। अगर आपके पास राखी नहीं है तो जो रक्षा सूत्र होता है, यानी जो कलावा होता है, वो आपको अवश्य उनको बांधनी चाहिए, और किसी ना किसी मीठी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस तरह से आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं, यानी राखी बांधते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं तो वो अवश्य समाप्त हो जाएंगे। चाहे आप किसी को भी मानते हो, चाहे गणेश जी को मानते हो, या फिर कृष्ण जी को मानते हो, लट्टू गोपाल जी को, अपने घर में भी मतलब इस उपाय को कर सकते हैं। और जो मैंने जल चढ़ाने के लिए बोला है कलश पर, वो आपको देखिए शिव मंदिर में जाकर ही करना है। माता गौरा को आपको मीठा पान अवश्य चढ़ाना है। दोस्तों, इस तरह से ये उपाय करें। साथ ही देखिए पूर्णिमा है तो रात्रि के समय देखिए आप कहीं पर भी हो, क्योंकि चांद तो एक ही समय पर निकलता है सब जगह, तो आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर, थोड़ा सा मीठा डालकर, और थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे फूटे चावल डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और चंद्रमा को अर्घ देते हुए ओम सोम सोमाय नमः,
ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए आपको अपनी ही जगह पर एक परिक्रमा लगानी है, उनको अर्घ अवश्य देना है और उनसे जो भी आपकी प्रार्थना है, चाहे आपकी संतान की है, विवाह की है या पति पत्नी में क्लेश रहता है, किसी के लिए भी, देखिए किसी के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। जिनके भी देखिए मासिक धर्म से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, कोख बंधन है, तो वो अवश्य चंद्रमा को अर्घ दें, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही, मतलब चंद्रमा दोष के कारण ही ये हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस दिन श्रावणी पूर्णिमा है, तो इस दिन अवश्य इस उपाय को करें तो शीघ्र ही आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। श्रावणी पूर्णिमा देखिए अंतिम सावन का दिन है, तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें, आपकी जो मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।